प्रभा साक्षी और मैं हूँ आपके साथ प्रभु तिवारी। आज हम आप सभी को लेके आए हैं अमृत उद्यान में, जो कि हर साल फरवरी और मार्च के महीने में सुसज्जित किया जाता है। फूलों का जलसा होता है राष्ट्रपति भवन में। आज हम आप लोगों को उसी के कुछ दृश्य और कुछ झलकियाँ दिखाने वाले हैं, तो हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए कितना खूबसूरत सजा है इस बार राष्ट्रपति भवन में लगने वाला अमृत उद्यान। हमने अमृत उद्यान में एंट्री कर ली है और सबसे पहले हमने टिकट चेक कराया है और उसके बाद हमने अपना बैग सबमिट कराया है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम होता है, खाने पीने की चीज़ होती है, वो अलाउ नहीं होती है। तो ऐसे में आपको अपना बैग सबमिट कराना पड़ेगा और उसके बाद ही एंट्री लेनी पड़ेगी। अमृत उद्यान की विज़िट करने के बाद सबसे अच्छी जो बात है वो ये लगी है कि इस बार सबसे ज़्यादा साफ सफाई का और सुरक्षा का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अभी वीक डेज में भारी संख्या में लोग आए हुए थे, लेकिन उसके बाद भी चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस और हमारी फोर्स, जो भी CRPF CISF के जवान यहाँ पर तैनात थे, और सुरक्षा का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। हर एक इंसान से उसका टिकट स्कैन किया गया है, और अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो एक बात ध्यान रखिए, अपने बैग में कोई भी खाने पीने की चीज़ ना लेके आइए। और साथ ही आपको हम बता दें कि यहाँ पर किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ भी अलाउड नहीं है। अगर मुगल गार्डन आप लोग आ रहे हैं तो इस तरह के जो फुहारे हैं और यहाँ पे म्यूज़िक के साथ ये जो फाउंटेन शो होता है, इसको देखना बिल्कुल ना भूलिए। ये यहाँ का सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाले चीज़ों में से एक माना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे मेरे कि यहाँ कितनी मात्रा में भीड़ है और लोग इसी फाउंटेन शो को इंजॉय कर रहे हैं, देखने के लिए आए हैं। और ये सच में काफ़ी खूबसूरत है। एक पुरानी वाद्य जो धुन होती है उसके साथ यहाँ पर रिदम के साथ ये फुहारे अपनी हरकत करते हैं। आप देखेंगे किस तरह से आसमान की ओर उड़ रहे हैं ये फुहारे, और इस शो को देखने के लिए कितनी भारी मात्रा में यहाँ पर वीक डेज में भी लोग आए हुए हैं। आप देखेंगे मेरे पीछे कि किस तरह से लोग इस फाउंटेन शो का मज़ा ले रहे हैं। हमने आपको बताया कि राष्ट्रपति भवन में ये जो अमृत उद्यान सजा है ये काफ़ी खूबसूरत है, और आप देखेंगे हर तरफ फूल ही फूल और हर वैरायटी के फूल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। साथ ही देखेंगे कि कितनी खूबसूरती से और कितने तरीके से इस पूरे उद्यान को सजाया गया है। हर चप्पे चप्पे को फूलों से सजाया गया है। आप गुलाब की हर एक वैरायटी यहाँ पर देख सकते हैं, और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की भी काफ़ी अच्छे से मुस्तैदी की गई है, ताकि किसी भी तरह की पब्लिक को परेशानी ना हो और ना ही इस गार्डन की सुरक्षा को कोई हानि पहुंचे। राष्ट्रपति भवन के बगीचे में सालाना एक जलसा लगता है। महामहिम के इस बगीचे का नाम पहले मुगल गार्डन था, जिसे बीते साल बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। इस गार्डन में दुनिया भर के रंग बिरंगे फूलों की छटा देखने को मिलती है। यहाँ के 120 तरह के गुलाब, 10,000 से ज़्यादा ट्यूबलिप और लगभग 5,000 मौसमी फूलों की प्रजातियाँ पर्यटकों को मनमोहक बना देती हैं। इतना ही नहीं, उद्यान में लगे फुहारे भी कमल के आकार के हैं और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अमृत उद्यान में कई छोटे बड़े बगीचे हैं। इस समय यहाँ पर विभिन्न तरह के फूल खिले हुए हैं, और ख़ास बात यह है कि इस साल 12 अनोखी तरह की ट्यूबलिप लगाई गई है, जो कि अलग अलग चरणों में खिलेगी।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।